स्वागत है आपका अनलिमिटेड एजुकेशन में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11 डी का। आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा होली का त्यौहार। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यूएशन में अपन लाते हैं सब्जेक्ट में। तो अभी तक हमने देखा 10th लेक्चर तक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमने अच्छे से कंप्लीट किया, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है मक्स जो हमने देखा। तो मक्स के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, उस पर बेस्ड हमने हर टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है यहाँ पे सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन, तो उनको आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, बिकॉज मक्स से डेफिनेटली सवाल आता है एग्जाम में। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट सपना रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम डैम श्योर आपसे सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, वो एकदम सफिशियंट आपको मैंने कराया है, जिससे सवाल डेफिनेटली एग्जामिनर बनाएगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत अहमियत रखता है डी सब्जेक्ट में, वो क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग इस चैप्टर का हम देखते हैं कि क्या लेआउट है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे लेज़ के बारे में, देन फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, उसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज, जिस चीज से सवाल आपको आने वाला है एग्जाम में, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस, काउंटर्स। ठीक है, तो ये अपना लेआउट है इस चैप्टर का। ठीक है, बेसिक लेआउट, इसके अलावा भी एक दो एडिशनल टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, लेट्स में इनिशियली हम देखेंगे आज के लेक्चर में SR NAND latch and SR NOR latch। ओके, बाद में हम मूव ऑन करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के टॉपिक पे, बिकॉज दीज आर इंटर कनेक्टेड। ठीक है, अगर आपको लेट समझ आते हैं तो लेट से ही हम फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप से हम डिजाइन करने वाले हैं काउंटर्स। तो ये क्या है, एक तरह से साइकिल डेवलपमेंट होता है सिक्वेंशियल सर्किट्स का, पूरी फील्ड के साथ हम देखने वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ठीक है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, जेके देखेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ये चार टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप हम देखने वाले हैं इस सप्ताह में। ठीक है, एक और चीज, आप लोगों को सबसे पहले लेच के कंसेप्ट को समझना होगा। ठीक है, कि लेच के कॉम्बिनेशन सर्किट्स तक हमने डिजाइनिंग किया है, ठीक है, विद प्रॉपर फीलिंग, तो सिक्वेंशियल सर्किट्स की नीड के ऊपर, ठीक है, नेसेसिटी क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने क्यों डेवलप किया। ठीक है, देखिए मैं आपको इस वे में किस लिए समझा रहा हूं, बिकॉज होता क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, रिकॉल नहीं कर पाओगे आप। वो ऐसे डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखो कि सब्जेक्ट कैसे डेवलप किया होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम मूव ऑन किए, नंबर सिस्टम से हमने देखा, बूलियन फंक्शंस देखे, ठीक है, लॉजिक गेट्स पे मूव ऑन किए, उनके कॉम्बिनेशन से हमने सर्किट्स बनाए, के मैप देखा, रिड्यूसिंग टेक्निक्स। तो ये क्या है, टूल्स, एक डेवलपिंग वाली फील आनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या है, रिकॉलिंग पावर आपकी अच्छी होगी एग्जाम में। अब देखिए, तो यही कह रहा हूं, जो आज का जो चैप्टर है सिक्वेंशियल सर्किट्स, वन ऑफ द टफ चैप्टर माना जाता है डीई के केस में, बिकॉज एक तो क्या है कि हमने ये डिजाइन किस लिए किए हैं वो फील नहीं आ पाते। ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं इस चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेज के साथ, लेज से कैसे फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया, फ्लिप फ्लॉप के बाद हम काउंटर्स, और इसी पे सवाल आते हैं। ओके, काउंटर्स पे डिफरेंट टाइप्स के हम सवाल करेंगे। अब काउंटर्स किससे मिलकर बना है, फ्लिप फ्लॉप से बना है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप के हर केस को, हर टाइप को हमें समझना है। इनमें क्या समझना है, हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझनी है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, मोस्टली फैकल्टीज यही बताने वाली है
कि काउंटर्स के सवालों या फ्लिप फ्लॉप के सवालों आपको क्या कहना है, एक्साइटेशन टेबल बनानी है, फिर ये वाले इनपुट सर्किट में बनाने हैं, 0-1 लिखना है, ये टॉगल होगा वो टॉगल होगा, सच ए वेस्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आप टेबल के फॉर्म में करते हैं। प्लस देखिए, एक तो स्पेस भी कम होता है, ठीक है, भले ही ऑनलाइन एग्जाम है, स्पेस आपके पास बुकलेट में कम होगा, ठीक है। प्लस एरर के चांस बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज अगर आप इतने से सर्किट में आपने बुकलेट में बनाया जो गिवन क्वेश्चन है उसका जीरो किया, उसका उसके एक्साइटेशन टेबल से आउटपुट निकाला, फिर वन किया, वही मिक्सअप हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पे है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फ्लिप फ्लॉप, उसको यूज लेते हुए, जैसे मक्स में मैंने आपको कंक्लूजन के बेस पे सवाल जल्दी से सोल्व हो देते, प्लस मक्स के केस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करते हुए हमने सवाल सोल्व किए, राइट, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस जो भी वीडियोज उनको फॉलो किया होगा, फ्लिप फ्लॉप के केस में भी हम इन चारों फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेस पे ही सॉल्यूशन आसानी से वो क्विकली सोल्व होगा, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी कंफ्यूजन कि हमें कौन सा इनपुट उसकी टेबल से उठा के पुट करना है सर्किट में क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम नया वे आपको मैं देने वाला हूं इस सिक्वेंसर सर्किट्स के जितने भी वीडियोज आने वाले हैं, 2-3-4, ठीक है, उसमें एक नया अप्रोच आपको दूंगा क्वेश्चन सोल्व करने की, चाहे वो गेट का क्वेश्चन हो या फिर आरआरबी जेई का, ओके। तो आई होप आप ढंग से बने रहिए, आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। बिफोर स्टार्टिंग मैंने आपको बोला कि कोई भी हम देखेंगे तो उसकी एक प्रॉपर फील आनी चाहिए कि इसकी नेसेसिटी क्यों है। तो देखिए भैया, इस चैप्टर में मूव ऑन करने से पहले आप लोगों को मैंने प्रीवियस में बताया था, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट किया, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल, इनमें डिफरेंस बताया था मैंने, वो क्या था, कॉम्बिनेशनल वाला हमने देखा मक्स हो, एडर हो, फुल एडर हो, कोई भी हो, उसमें क्या था, आउटपुट किस पे डिपेंड था, ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड था। सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं होने वाला, इसमें क्या होगा, आउटपुट विल डिपेंड ऑन प्रीवियस एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। अब देखिए भैया, अगर इसे प्रीवियस वाला इनपुट भी होल्ड करके रखना है तो डेफिनेटली क्या होगी, इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट के लिए ऐसा सर्किट डिजाइन करना है, अभी तक हमने मेमोरी की बात की कॉम्बिनेशनल सर्किट में नहीं की ना, इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो उसके लिए एक कंसेप्ट बनाया, कॉम्बिनेशनल में फीडबैक भी नहीं था, नो फीडबैक। अब देखिए, अपने पास लॉजिक गेट्स हैं, उन्हीं से हमने कॉम्बिनेशनल डिजाइन किया। फ्लिप फ्लॉप वगैरह काउंटर्स वगैरह डिजाइन करना है तो वो भी किससे होंगे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, लॉजिक गेट्स ही है ना, उन्हीं से हम करेंगे। लेकिन मेमोरी की बात होगी तो क्या करेंगे, तो एक नया कंसेप्ट आने वाला है, वो क्या है, फीडबैक। तो फीडबैक विल बी प्रेजेंट इन सिक्वेंसर सर्किट्स। देखो आरआरबी जेई का एग्जाम है, उतना लेवल नहीं होगा जो गेट का होता है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी बेस्ड सिंपल आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है इनके डिफरेंस पे, ठीक है। तो एक बार वापस से मैंने आपको रिकॉल कराया है। अब देखिए सिक्वेंसर सर्किट्स कैसे डेवलप करेंगे, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, लेज क्या है, सब कुछ अच्छे से होगा, बस ध्यान से आप देखते रहिए। अब देखिए, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सिक्वेंस सर्किट। नाउ सी, कोई भी डिजिटल सर्किट में इफ हमें 1 बिट को स्टोर करना है, एक बार इस टॉपिक की नेसेसिटी हम देखने के लिए एग्जांपल लेते हैं, 1 बिट को स्टोर करने के लिए कोई भी सर्किट होगा वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, 1 बिट स्टोर करने के लिए हमें कम से कम 1 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 1 बिट स्टोर करने के लिए क्या है? कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 1 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। थ्योरी पे बेस्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। अब देखिए इसकी फील कैसे आएगी, फ्लिप फ्लॉप हमें डिजाइन करना है, अभी किया नहीं हमने, किससे डिजाइन होगा, ऐसा क्या कंपोनेंट्स होंगे डी में, क्या होगा, लॉजिक गेट्स, बिल्कुल लॉजिक गेट्स ही होंगे, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ आवर डी सब्जेक्ट, तो लॉजिक गेट्स से ही फ्लिप फ्लॉप बनेगा, ठीक है। 1 बिट को स्टोर करेगा 1 फ्लिप फ्लॉप। अब मेरी बात सुनिए, एक एग्जांपल,
ठीक है, अच्छे से आपको फील आएगी। 1 GB की जो पेन ड्राइव होती है, चाहे वो सैंडिस्क की हो या किसी भी दूसरी कंपनी की हो, आपको आइडिया है इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं? 1 GB की पेन ड्राइव में अराउंड 8 मिलियन फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। 8 मिलियन फ्लिप फ्लॉप्स ऑन ए सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, उनको एम्बेडेड करना है। कौन? सर्किट डिजाइन करने वाले। ओके, नाउ सी, वो VLSI से कहते हैं, VSDL लैंग्वेज को यूज करते हैं सर्किट, ठीक है। VLSI एक अलग डोमेन हो गया, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? डी। तो डी में क्या है, जब सिक्वेंशियल सर्किट्स की बात होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपना फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप कैसे डिजाइन करना है? लॉजिक गेट्स की मदद से। जैसे मक्स को हमने डिजाइन किया, हाफ एडर डिजाइन किया, कुछ भी डिजाइन किया, कैसे किया था? लॉजिक गेट्स, राइट। वैसे ही फ्लिप फ्लॉप है, भले ही सिक्वेंशियल का पार्ट है, बट कैसे डिजाइन होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल आपको फील आने वाले इस सब्जेक्ट के। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम लैच। ओके, सो लैच। अब देखिए, आधे बच्चों को यही कंफ्यूज होता है कि लैच और फ्लिप फ्लॉप डिफरेंट चीज है क्या। देखिए, सेम चीजें हैं, बस माइन्यूट सा डिफरेंट है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो आप क्लियर कर लो, लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो टाइप की लैच है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो लैच क्या है। लैच भी एक सिक्वेंस है सर्किट, फ्लिप फ्लॉप भी सिक्वेंस है। ये तो क्या होगी, सेम बात होगी, डिफरेंस हमें देखना है। तो वो देखिए, इसमें क्लॉक इनपुट नहीं होता। किसमें? लैच में। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? क्लॉक इनपुट प्रेजेंट होता है। ओके, लैच में क्लॉक इनपुट नहीं होता, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक इनपुट होता है। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैच में लेवल ट्रिगरिंग होती है, फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगरिंग होती है, ठीक है। इनको भी हम अच्छे से, ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, सर्किट को एक्टिवेशन स्टेट में लाना, मतलब ऑन करने के लिए हमें कोई ना कोई क्लॉक पल्स अप्लाई करनी होगी, ठीक है। इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप में एक रेस अराउंड कंडीशन हम देखेंगे, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में एक पर्टिकुलर इनपुट जब हम देंगे 2-1-1, तो उसमें रेस अराउंड कंडीशन होती है, वो किस पे, उसका रीजन क्या है? क्लॉक पल्स, ठीक है। टिगरिंग या एक्टिवेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लॉक पल्स, ताकि सर्किट एक्टिवेट हो जाए और अपना फंक्शन करे, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है लैच और फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। अब देखिए, लैच से हम स्टार्ट करेंगे और फ्लिप फ्लॉप पे पहुंचेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैच, सबसे पहले तो ये अगर हम शब्द की मीनिंग देखें, तो आपने दरवाजे पे देखा होगा जो कुंडी लगी होती है, ठीक है, ये दरवाजा है, ठीक है, दिस इज डोर। लेज मतलब क्या है? ये जो कुंडी है या यहां पे होती है किसी के, है ना, तो ये क्या है? पैक करने के काम आता है, होल्ड करने के काम आता है, राइट। तो लेज शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है कि 0 या 1 जो वोल्टेज लेवल है, जो बिट्स हैं, 0-1 नथिंग, ऐसा मत समझना कभी भी, एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कि भैया मशीन 0-1 समझती है, तो मशीन के अंदर तो 0-1 की नदियां बहती है। 0-1 इज समझने के पर्पज से, बाइनरी की फॉर्म में, एक्चुअल में क्या है? ये वोल्टेज लेवल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो, ये 5 वोल्ट को अगर मैं 1 मान के जा रहा हूं, तो 0 वोल्ट को मैं क्या मानूंगा? 0। वोल्टेज लेवल है, ठीक है। वैसे का आइडिया आप सबको होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बताया मैंने। तो लेज देखिए, अब लेज क्या है? ओके, तो लेज में हम देखेंगे नैन से बनाएंगे और नो से हम डिजाइन करेंगे। तो उससे पहले लेज में मैंने आपको बोला कि लेज क्या होता है, लेवल
टिगरिंग होती है इसमें। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टिगरिंग की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले लेवल एंड देन एज टिगरिंग। ठीक है, तो देखो कोई भी क्लॉक पल्स है, ओके, ये क्या है अपनी क्लॉक पल्स है। इफ कोई भी सर्किट है सिक्वेंशियल, वो एक्टिवेट कब होता है, टिगरिंग मतलब क्या बोला मैंने, एक्टिवेट ऑन, वो काम करना कब स्टार्ट होगा, जब उसको एक प्रॉपर वोल्टेज लेवल मिलेगा। अब देखिए दो टाइप्स हम प्रोवाइड करते हैं क्लॉक पल्स। ठीक है, सर्किट एक्टिवेट हो सकता है, टिगर हो सकता है, किस पे बेस पे, ये क्या होगी अपनी पॉजिटिव लेवल। ठीक है, तो दो टाइप के हो जाएंगे इसमें, पॉजिटिव लेवल एक्टिवेशन एंड दिस इज नेगेटिव लेवल। वैसे ही एज वाले में क्या होगा, दिस इज द राइजिंग एज। ठीक है, दिस इज राइजिंग एज। ठीक है, इंक्रीजिंग एज में है, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव एज टिगरिंग हो रही है। वैसे ही कई सर्किट्स क्या होंगे जो फॉलिंग एज है, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, ये वाली ले लो। ठीक है, समझाने के पर्पस से इस पे बना रहा हूं मैं, ये क्या है फॉलिंग एज या फिर नेगेटिव एज। अब देखिए यहीं पे मैं आपको, जब जेके फ्लिप फ्लॉप देखेंगे वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहीं पे आइडिया देता हूं। देखो लेवल टिगरिंग वो एज में बेस्ट कौन सा एक्टिवेशन क्लॉक पल्स है, एक्टिवेट करने के लिए ये वाला एक्टिवेशन वाला मेथड अच्छा है या एज वाला, कौन सा अच्छा है, एज वाला क्यों, उसके लिए देखिए हल्का सा मैं आपको बताता हूं, बाकी जेके फ्लिप फ्लॉप में बताऊंगा। लेवल के केस में क्या है, ये देखो क्लॉक पल्स ना पता नहीं कितनी टाइम पीरियड की होगी, हो सकता है जब जैसे ये हाई मिली तो सर्किट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, isn't it? अब सर्किट ऑपरेट हो रहा है, उसका आउटपुट जब तक ये इसका टाइम पीरियड है इस लेवल पर, इस क्लॉक पल्स का, तो उस आउटपुट में वेरी मोर देन वंस, आउटपुट चेंज हो सकता है मोर देन वन टाइम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी अपनी कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाएगी कि प्रॉपर आउटपुट हमें मिला ही नहीं। ठीक है, तो यही केस क्या है, रेस अराउंड कंडीशन है। ठीक है, इसको जेके फ्लिप फ्लॉप में हम अच्छे से देखेंगे। तो लेवल के केस में क्या होता है, इसकी पल्स की विथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट कितनी टाइम्स वेरी हो गया। तो ये तो क्या है अपने लॉस वाला काम हो गया। वही एज में क्या है, देखो जीरो से हाई जाने में बहुत कम माइन्यूट सा टाइम लेगा, ठीक है, मिली सेकेंड्स में टाइम लेगा। ठीक, उसी में क्या होगा, सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, अपना प्रोसेसिंग करेगा, वो आउटपुट हमें देगा। ठीक है, तो एज वाले टिगर में आउटपुट क्या है, वेरी करने के लिए वेरी एक से ज्यादा बार होने के कम चांसेस है, किस वाले में, एज वाली एक्टिवेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज सिक्वेंशियल सर्किट्स में क्या था, कॉम्बिनेशन सर्किट में क्लॉक पल्स का काम ही नहीं था, यहां पे क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड है बिकॉज सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स हम डिजाइन करने वाले, तो क्लॉक पल्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्टिवेशन कैसे होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का सेशन बेसिक टर्मिनोलॉजी फ्लिप फ्लॉप्स पे ही अपना होगा, नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे या काउंटर्स वाले में हम क्वेश्चंस अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, बट उसके लिए आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझना होगा। ओके, तो लेट्स देखें, तो लेट्स डिजाइन ठीक है, ऐसा नैंड वाले से हम सबसे पहले बनाते हैं। अब देखो हमने क्या किया, एक नैंड गेट लिया, दो इनपुट्स होंगे, एक और नैंड गेट लिया, ओके,
अब हमने क्या किया, इसको फीडबैक में दे दिया, इसके आउटपुट में, इसके आउटपुट को फीडबैक में दे दिया हमने इसके इनपुट में। ओके, यहां पे एस लिख दिया, यहां पे आर लिखा, एक क्यू माना, एक क्यू बार माना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया है। देखो अब ये किस लिए किया वो समझना इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के केस में अगर दो से ज्यादा लॉजिक गेट्स का हमने कंबाइन किया है तो भी क्या है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में दिया है हमने, ठीक है, बट क्लोज में हमने कभी नहीं दिया। क्लोज मतलब क्या है, फीडबैक में, फीडबैक टोपोलॉजी हमने यूज नहीं की। ठीक है, देखो कैसे, जब भी फीडबैक आ गया इसका मतलब ये क्या है, सिक्वेंसर सर्किट। ओके, अब फीडबैक की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, बिकॉज इससे फायदा होने वाला है क्या, डिफरेंट टाइप्स के हम कॉम्बिनेशन यहां पे लगा के आउटपुट चेक करने वाला है। ठीक है, कि होता क्या है, ये लेज का काम कर पाता है नहीं। लेज मतलब क्या हो गया, होल्ड करना, पेक करना, यही होता है ना। देखो कैसे, एस क्यू आर एन क्यू बार। एक चीज देखिएगा, फ्लिप फ्लॉप के केस में भी दो आउटपुट्स हम लेंगे हमेशा, एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेंगे, एक अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेंगे। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, एक अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। अब देखिए कैसे, तो जब मैं एस और आर दोनों को जीरो दूं, ठीक है, देखिए अभी समझने के पर्पज से इनकी टेबल हम बनाएंगे, बट क्वेश्चंस में कभी भी हम टेबल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप के अप्रोच में आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, टेबल से हमेशा कंफ्यूजन होगा, जैसा मैंने इनिशियली में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया जब आपको बताया, क्वेश्चंस में आप टेबल बनाओगे, टेबल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगाओगे, सर्किट में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो उससे बेहतर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है, बट समझाने के पर्पज से ताकि आप लोगों को फील आए, तो उसके लिए टेबल मैंने बनाई है। ठीक है, अब देखिए कैसे, दो इनपुट्स है एस और आर, बाकी तो फीडबैक में आ गए ना। ठीक है, मेनली तो यही पे इनपुट हम लगाएंगे, कितने कॉम्बिनेशन, ये वाले कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, हम क्यू के लिए लिख देंगे, एक आउटपुट निकाल लेंगे, बाकी तो उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्यू हमेशा हम लिखेंगे यहां पे। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं केस लेता हूं जीरो वन वाला। ठीक है, ये वाले बाद में लेते हैं, देखो किस लिए, जीरो वन वाला अगर मैं केस लूं तो देखिए क्या होता है, एस को मैंने जीरो दिया, आर को मैंने वन दिया। ओके, एक चीज बताइए, अगर आपने लॉजिक गेट्स अच्छे से किया हो तो कंक्लूजन आपको याद होंगे, तो क्विकली आप क्यू के बारे में बता सकते हैं। देखिए कैसे, नैंड गेट है ना, कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट का कंक्लूजन क्या है, कोई भी इनपुट अगर जीरो हो गया तो हमेशा क्या मिलेगा, आउटपुट आपको हाई मिलेगा। नैंड गेट के केस में जब भी कोई एक इनपुट लो हो गया तो आपको क्या मिलने वाला, आउटपुट हाई मिलने वाला है। ठीक है, बिकॉज नैंड वाली टेबल क्या होती है, जीरो जीरो वन होता है। ठीक है, जीरो वन भी वन होता है, वन जीरो भी वन होता है, वन वन वाला केस जीरो होता है, ये होती है नैंड वाली टेबल। ठीक है, तो कोई भी इनपुट, एटलीस्ट वन इनपुट अगर लो हो गया तो नैंड के केस में आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। तो देखिए इस वाले नैंड गेट पे वन है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, कि आउटपुट हमें हाई मिलेगा लो मिलेगा, बट इस वाले केस में देखो, तो जब भी नैंड लेज, आपको अभी से कंक्लूजन बता लो, क्या बताने वाला हूं, लॉजिक गेट वाला कंक्लूजन है कि जब भी नैंड लेज आएगी तो हमें जो आउटपुट लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा गेट को देखना है, ऐसा नैंड गेट देखना है जिसपे इनपुट क्या लगाओ, लो। तो देखो अगर इस पे जीरो लगाए तो डेफिनेटली क्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, वन। अब जैसे ही क्यू की वैल्यू वन आई तो ये वन कहां पे गया, इस पे गया, इस वाले गेट पे हमने पहले से एक तो वन लगा रखा है, यहां पे भी वन आ गया। वन वन जब भी आ जाए नैंड वाली टेबल में तो क्या आता है, जीरो। इसका मतलब अपना सही है ये सर्किट। देखिए कैसे, अगर क्यू इज वन तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो, यही मिला है। तो जब हमने जीरो वन लगाया तो क्या मिला, वन जीरो मिला, क्यू इज हाई। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई भी होनी चाहिए कंडीशन, तभी आउटपुट अपना वैलिड होगा, तभी आउटपुट अपना वैलिड होगा। अगर एक क्यू मिला है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिलना चाहिए, तभी इनपुट अपना सही है
वो वैलिड आउटपुट हमें मिलेगा लेच की फॉर्म में। ओके तो देखो होल्ड कर रहा है ना इस डाटा को, वो फीडबैक के रूप में, ठीक है। अब देखिए कैसा आगे दूसरा केस 01 वाला हो गया, 10 वाला रहता है, ठीक है जी। ये क्या है अपना क्यू बार, 10 वाला ले, ये वाला केस एस को 1 लिखा मैंने, इसको 0, इसके बारे में आप बोल सकते हो इस पे 1 लगा है नैंड पे, नहीं 0 वाला देखो हमेशा, ठीक है। और नोड वाले केस में हम क्या देखेंगे, कौन सा गेट जिसपे 1 लगाओ, ठीक है। वो नोड वाली लेच सेकंड वाली लेच में देखेंगे, पहले नैंड लेच हम देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट 10 वाला केस लिया, एस 1 आर इज लो, तो इस वाले का हम बोल सकते हैं डेफिनेटली क्यू बार इज 1, तो क्यू क्या आने वाला है 0 अगर वैलिड है, ठीक है। तो ये 0 आना चाहिए तभी ये वैलिड होगा, ठीक है, क्यू विल बी 0। तो देखते हैं कैसे वैलिड आएगा या नहीं, तो इसका हमें सही होता 1 आ गया, कॉम्प्लीमेंट अगर 1 आ गया तो क्यू क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 हो जाएगा। देखो कैसे यहां पे 1 मिला तो ये 1 फीडबैक से यहां पे गया, 1-1 वाला कंडीशन आ गया इस वाले नैंड गेट के लिए, क्या आएगा 0, इसका मतलब वैलिड है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्यू क्या मिला अपने को 0, ठीक है। देखो ये किसकी टेबल बना दूं मैं, एस आर नैंड लैच, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये तो फ्लिप फ्लॉप जैसा लग रहा है, नहीं फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है क्लॉक इनपुट होता है, ठीक है, वो देखेंगे अभी आगे। अब देखते हो दो केस, ये स्पेशल केस है इसलिए मैंने आपको बचा के रखा, ये वाले केस इसलिए बताया क्योंकि अपना लॉजिक गेट्स पे अच्छी कमांड हो चुकी है, आप लोगों ने अगर सवाल किए होंगे, ठीक है, तो अच्छे से आप कंक्लूजन को यूज करते हुए देखो खुद से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, सिक्वेंसर सर्किट्स भी फील के लिए मैंने आपको बताया। आप देखिए नेक्स्ट लेते हैं, लेट्स टेक 0 और 0 वाला केस, ठीक है, ये 0 लिया ये 0, क्या कंक्लूजन था, जब भी नैंड पे कोई भी एटलीस्ट 10 आ जाए आउटपुट क्या आएगा 1, इस पे भी 0 आ गया, ठीक है, दूसरे से मतलब ही नहीं है, कंक्लूजन ये तो था टेबल के अकॉर्डिंग, ये भी 1। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या आ गया, क्यू इफ 1 है क्यू का कॉम्प्लीमेंट 0 आना चाहिए, लेकिन क्या मिला 1, इज इट वैलिड, नो इट इज नॉट वैलिड, ये क्या है इनवैलिड इनपुट्स है किसी फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है, बिकॉज एक कॉम्प्लीमेंट है उसका अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म आना चाहिए ना, दोनों सेम तो ही हो सकता है, इनवैलिड है, ठीक है, तो ये इनपुट वैलिड ही नहीं। 1-1 वाला केस देखो, 1-1 वाला केस देखे, ओके इसको कैसे समझेंगे, देखो जब भी 1 आ जाए तो हम बोल नहीं सकते कि यहां पे क्या आएगा, 0 भी आ सकता है या 1 भी, क्योंकि नैंड वाली टेबल अगर मैं फिर से आपके लिए बनाऊं, 0-1 में क्या मिलता है नैंड में, और 10 में क्या मिलता है, 0-1 में क्या मिलता है हमेशा 1 मिलता है, 1 मिलता है, 1-1 में 0 मिलता है। देखो ये 1 हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, तो आउटपुट 1 मिलेगा, ये 1 दो इनपुट में से, इस वाला केस भी हो सकता है 0, तो अभी श्योर नहीं है अपने को, तो इसके लिए हम क्यू कैसे डिफाइन करें, तो यहां पे क्या अप्रोच लगाएं, टेबल फेल हो गई तो अपन क्या अप्रोच लगाते हैं, बूलियन अलजेब्रा। देखो मैंने कहा ना टूल्स है अपने पास, टूल्स है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। देखो भाई एक ना एक गेट के लिए आउटपुट लिख लेंगे, देखो कैसे, ये क्यू बार है मान लो, अपने को पता नहीं क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो अपने क्यू बार ही इस पर इनपुट ले लिया, ओके। नाउ सी क्यू बार अगर मैंने ये फीडबैक से ले लिया, पता नहीं क्या है, एक जनरलाइज होम देखते हैं, तो 1 तो क्यू बार का मैं नैंड लू, ये इनपुट्स हो गए ना, इनका नैंड ऑपरेशन लू, दो इनपुट्स का नैंड यही होगा, ये क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भैया, डी मॉर्गन थ्योरम लगा के देखो, इंडिविजुअल का बार प्लस साइन दूसरे का भी बार, डी मॉर्गन थ्योरम, टूल्स है ना अपने पास, देखो कैसे लिखेंगे आउटपुट वो सीखिए। 1 का बार क्या होगा 0, क्यू का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दो बार कॉम्प्लीमेंट मतलब वही फंक्शन मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, मतलब जब यहां पे 1 मिलेगा तो यहां पे क्यू मिलेगा अपने को, यहां पे क्या मिलेगा अपने को, क्यू मिलेगा, ओके। अब ये क्यू अगर मैं यहां पे लूं, ठीक है,
इसके लिए आउटपुट लिखोगे क्या मिलेगा, देखो वन ओ क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा इन दोनों का नैंड ऑपरेशन, इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट प्लस इस पे भी कॉम्प्लीमेंट, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, क्यू बार का क्यू बार, क्या मिला इस पे नैंड ऑपरेशन लगा क्यू बार। एक चीज देख रहे हो क्या है, अगर प्रीवियसली यही इनपुट है तभी तो मैंने फीडबैक से लिया, तो जो प्रीवियस इनपुट प्रीवियस आउटपुट है वही अपने को घूम के वापस मिल गया जब हमने दोनों को हाई दिया, दोनों को हाई दिया तो क्या केस हो गया ये कि ये होल्ड कर रहे हैं या प्रीवियस आउटपुट हमें दे रहे हैं, होल्ड वाली कंडीशन, लेट्स होल्ड, समझ पा रहे हो। तो ये सर्किट क्या है, डिफरेंट टाइप्स के ऐसा कॉम्बिनेशन पे अपना ऑपरेशन आउटपुट इस फॉर्म में देगा, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखो, ऐसा नैंड वाले केस में जब एस पे लो होगा तो हाई मिलता है क्यू, दोनों जीरो होंगे इनवैलिड स्टेट है, वन वन पे होल्ड करता है ऐसा नैंड लेज, ठीक है, ये टेबल दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसा नोर के लिए हम देखते हैं क्या होने वाला है, ओके। तो यहीं पे मैं ऐसा नोर लेज की बात करता है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंट आने वाला है, उसके बाद हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप कैसे डिजाइन होगा इसी लेज को यूज करते हुए। लेट्स सी एसआर नोर लेज, ओके। एस हमने लिया एक नोर गेट बनाया इसका आउटपुट, ओके, एक ओंत नोर गेट, ओके, हाँ इसका आउटपुट इसके फीडबैक में, इसका आउटपुट इसके फीडबैक में, वो यहाँ पे दे दिया हमें ऐसा दो नोर गेट्स, आउटपुट हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एक नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो ये अपने डिजाइन क्या हुई ऐसा नोर गेट्स, देखो फीडबैक से क्या हेल्प मिलेगी, क्या होगा इसका फंक्शन। तो नैंड के लिए याद रखना क्या है, वन वन में होल्ड वाला केस मिला था, जीरो जीरो में इनवैलिड केस मिला, नोर में क्या होने वाला है। एक चीज, जब सर्किट डिजाइन किया था तो उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यहां लिखा, अनकॉम्प्लीमेंट को यहां लिखा, ताकि डिफर हम कर पाए दो सर्किट्स में, ओके। अब इस वाले केस में देखो क्या मिलेगा। अच्छा एक चीज और, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि लेट्स हमने देखा नैंड वाला नोर वाला, तो सब फ्लिप फ्लॉप में जैसा हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, तो उसमें भी क्या दो दो जो भी लेट्स होगी डिफरेंट नैंड से बनाओगे और नोर से, दोनों से बनाओगे, नहीं। देखिए क्या होगा, जब फ्लिप फ्लॉप हम डिजाइन करेंगे लेट्स से तो इंटरनली जो भी लेट्स है उससे कोई मतलब नहीं है, आउटपुट हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। लेट्स वाले केस में डिफरेंट टेबल्स आएगी, ठीक है, बट वो फ्लिप फ्लॉप वाले में सेम मिलेगी, इंटरनल से हमें कोई मतलब नहीं है, वो आगे आपको अच्छे से समझ आएगा, अभी लेज पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो लेज देखो क्या है, नो से हम डिजाइन करेंगे एस आर, ठीक है, क्यू के लिए हम लिखेंगे, नैंड वाली में क्या मिली थी टेबल में, और यहाँ पे डिफरेंस हम देखने वाले हैं, ओके। नाउ सी वही कैश, सबसे पहले जीरो वन लेते हैं, जीरो एंड वन वाला केस लेते हैं, ये वाला देखते हैं क्या बनता है। एक चीज देखिए, नैंड वाले में जब भी एटलीस्ट वन लो इनपुट आए तो हमेशा हाई मिलता है आउटपुट, नैंड वाले में ये कंक्लूजन था। नोर वाले केस में क्या था, नोर वाले केस में क्या था, जब भी वन मिल जाए तो डेफिनेटली आउटपुट में क्या आएगा, जीरो, याद आया, ठीक है। जब भी आपको नोर वाले लॉजिक गेट्स पे एटलीस्ट वन इनपुट इज वन, देन डेफिनेटली आउटपुट विल बी जीरो, बिकॉज नोर वाले की टेबल क्या होती है, ए बी वाई आउटपुट मान लिया मैंने, डबल जीरो के केस में वन मिलता है, डबल जीरो के केस में नोर में क्या मिलता है, वन मिलता है ना, जीरो वन के केस में जीरो मिलता है, वन जीरो में जीरो मिलता है, वन वन में जीरो मिलता है, यही तो है नोर की टेबल। तो इसमें क्या मैं कंक्लूजन बोल सकता हूं ना कि कोई भी एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई, किसी में भी हाई मिला एटलीस्ट वन इनपुट तो आउटपुट इज लो बोल सकता हूं, तो सीधा हम बोल सकते हैं क्यू विल बी जीरो। अब देखिए ये भी वैलिड, ये वन मिलना चाहिए, अगर ये वैलिड होगा
ठीक है। तो देखिए लॉजिक गेट्स मैंने आपको जब बताया तो उसमें जो भी कंक्लूजन बताए या मक्स बताए उसमें कंक्लूजन बताए, बूलियन अलजेब्रा बताए कंक्लूजन बताए, जो भी कंक्लूजन बताए एक्सोर एक्सनोर गेट्स में बताए थे, सब कंक्लूजन कहाँ हेल्प होते टूल्स के रूप में यूज आसानी से हो पा रहे हैं, वो सब्जेक्ट भी डेवलप हम कर पा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो कंक्लूजन पे आप ग्रिप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम हो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे क्यों हमें मिल गया भाई लोग, भैया इसके बाद कहते हैं ये वन मिलना चाहिए तभी वैलिड मानेंगे हम, ठीक है, देखते हैं वन मिलता है या नहीं। तो जैसे ही लो मिला ये जीरो, डबल जीरो वाले केस में हमेशा क्या मिलता है नोर की केस में, टेबल अभी देखिए वन मिलता है, वैलिड है भैया, हो सर। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं, सॉरी सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन देखे हैं कौन सा, वन जीरो वाला, एस को वन मिला इसको जीरो, कौन से वाले पे देखोगे, जिस पे हाई मिले तो नोर पे सीधा क्या लिखोगे ये जीरो, क्यू का कॉम्प्लीमेंट जीरो है मतलब क्यू विल बी वन, ये वन मिलना चाहिए तो वैलिड हो जाएगा, देखते वन मिलता है। जैसे ही जीरो मिला इस पे एक जीरो, इस पे एक जीरो, डबल जीरो वाला केस नोर गेट में वन मिलता है वैलिड है ना, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी वन, ठीक है। अब देखो डबल जीरो एंड वन वन वाला केस लेते हैं जो स्पेशल अपना केस होगा, देखिए कैसे, सबसे पहले मैं लेता हूं डबल जीरो वाला केस, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मैंने क्या कहा जब भी नोड पे कोई भी हाई आए तो उसके लिए तो हम आउटपुट जीरो लिख देते हैं। इस वाले केस में क्या है जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, ठीक है, तो यहां पे क्या कहना पड़ेगा वही डी मॉर्गन वाला टूल लगाना है। मान लो ये क्यू प्रीवियस जो आउटपुट आ रखा है इसको फीडबैक में यहां पे क्यू मिला, एक पे जीरो दे रखा है हमने, ठीक है, तो इस पे नोर ऑपरेशन हम लगाएं जीरो क्यू पे तो क्या होगा जीरो प्लस क्यू का बार, यही होगा नोर का ऑपरेशन दो इनपुट्स पे, इजंट इट, डी मॉर्गन थ्योरम दिख रही है, जब प्लस में हो तो इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट दो सेकंड वाले पे, डी मॉर्गन थ्योरम क्या है ये, जैसे प्रीवियस में हमने देखा नैन वाली लेच में डी मॉर्गन थ्योरम लगाई, वो टूल्स यूज आएंगे, मैंने कहा ना डी में जो भी टूल्स बताए थे फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में वो टूल्स हमेशा काम आएंगे, आपको बोला था मैंने प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखते हैं। ये क्या मिलेगा देखिए जीरो को कॉम्प्लीमेंट इज वन, क्यू कॉम्प्लीमेंट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों पे जब हमने लगाया नोर ऑपरेशन तो आउटपुट में क्या मिला वही क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रीवियस वाला आउटपुट हो नेक्स्ट वाला आउटपुट क्या है सेम है, मतलब होल्ड कर रहा है, इजंट इट। वैसे नीचे वाला देखते हैं, ये भी क्यू मिलेगा तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे होल्ड, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे डबल जीरो वाला केस है ना, ये वाला केस देखते हैं हमें, ओके तो भैया यहाँ पे तो होल्ड मिल गया, यहाँ पे भी मिल जाए तो अपन जनरलाइज रिजल्ट लिख देंगे, ये जब भी दोनों पे लो देंगे तो क्या मिलेगा अपने को होल्ड वाली कंडीशन, यहाँ पे अगर क्यू मिल जाए देखते हैं क्यू मिलता है यानी क्यू बार हमने लिया फीडबैक से, यहाँ पे एक पे क्या जीरो एक पे क्यू बार, ओके नोड में दो इनपुट्स पे क्या मिलेगा आउटपुट देखें, तो एक इनपुट दूसरा इनपुट इनका नोड ऑपरेशन हमने किया, यही होगा नोड, नोड मतलब एडिशन हो उसका होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन थ्योरम वापस फील आ रही है देखने पे, तो पहले वाला वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है सेकेंड वाला वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट, जीरो कॉम्प्लीमेंट इज वन मल्टीप्लाई क्यू का डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू, क्या मिलेगा क्यू मिला, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इन आउटपुट सेम, सो वी कैन डेफिनेटली से कि जब भी डबल जीरो वाला केस होगा तो यहां पे एसआर नोर वाली लैच में क्या आएगी कंडीशन होल्ड कंडीशन, इट विल बी होल्ड कंडीशन, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, वन 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 वाली कंडीशन हम देखते हैं, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, जब हम एस और आर दोनों को हाई रखते हैं, ओके दोनों पे हम वन वन देंगे तो एस भी वन है आर भी वन है, ओके
देखते हैं क्या मिलता है। तो भैया मैंने कहा आपको कहा था कि नोर वाले केस में जब भी एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई, आंखें बंद करके क्या लिखो, आउटपुट विल बी लो। इस पे भी एक एटलीस्ट दोनों में से एक इनपुट हाई है तो आंखें बंद करके लो। कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, मतलब क्या है, इनवैलिड। एक चीज नोटिस कीजिए, ऐसा नो लैच की टेबल ये है, ऐसा नो लैच की टेबल ये है। प्रीवियस में हमने देखा था किसकी टेबल, ऐसा नैंड की। डिफरेंस देखिए, 00011011 होल्ड कंडीशन यहां भी ली थी, ये इनवैलिड थी। यहां पे अपने को क्या मिला था, अच्छा इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू कॉम्प्लीमेंट मिला, यहां पे क्यू मिला है ना, ऐसे यहां पे अपने को क्या मिला था, क्यू मिला था, यहां पे क्यू हुआ। तो बोल सकते हैं जस्ट रिवर्स है, बोल सकते हैं जस्ट रिवर्स केस है, isn't it? ठीक है, या फिर ये सेट कंडीशन लिख लीजिए, कई बार ऐसी भी आपको बुक्स में मिल जाएगा, ये रीसेट मान लीजिए, ठीक है, यहां पे रीसेट और सेट। तो ये टेबल्स देखिए दोनों एक दूसरे के, जब 11 पे यहां पे होल्ड मिला, यहां पे 00 पे मिला, यहां पे 00 वाला इनवैलिड केस था, यहां पे 11 वाला इनवैलिड केस अपने पास है। ओके, तो आई होप ये लेट्स आपको समझ में आया होगा। लेट्स किस लिए नेसेसिटी है अपने को, बिकॉज इसी को यूज लेते हुए हम, जब क्लॉक पल्स अभी तक यूज नहीं लिया हमने लेट्स के केस में, क्लॉक पल्स भी हम इनपुट साइड में हम लगाएंगे तो वो फ्लिप फ्लॉप की डिजाइन अपने पास तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप में एडिशनल इनपुट्स अपने को लगाने पड़ेंगे लेच के साथ में। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप के लिए लेच को समझना जरूरी है, बिकॉज लेच का कंसेप्ट क्या है, फीडबैक वाली टोपोलॉजी आपको समझना चाहिए कि फीडबैक कैसे काम कर रहा है। फीडबैक के काम करने से देखो डिफरेंट आउटपुट्स हमें मिलेंगे, ठीक है, फीडबैक की मदद से। तो फीडबैक वाली टोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने देखा अभी लेट्स, नाउ सी फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप का एक जनरल आइडिया मैं आपको इस लेक्चर में देता हूं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर से फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने लेट्स का कंसेप्ट समझ लिया, लेट्स का कंसेप्ट मतलब फीडबैक वाला, तो फ्लिप फ्लॉप की डिजाइन आपके लिए काफी आसान होने वाली है। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप इज ए स्टोरिंग डिवाइस, वन बिट स्टोर करता है। ठीक है, क्लॉक इनपुट प्लस लेच से मिलके बना होगा, अभी डिजाइन करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, फीडबैक इसमें भी होगा बिल्कुल, अगर लेच में फीडबैक है तो हम बोल सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप में भी फीडबैक है। ठीक है, अगर एक सिग्निफिकेंट अगर आप देखना चाहो तो इस तरह से देख सकते हो, ये फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप को मैं ऐसे लिख दूंगा स्रोत में। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप अगर बड़ा वाला सेट है वेन डायग्राम में, जैसे आप देखते हैं ना वेन डायग्राम की मदद से अगर आप देखना चाहो दी का वेन डायग्राम, तो फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, लेच इज सबसेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप वी कैन से। ठीक है, इसमें क्लॉक्स भी आएगी, क्लॉक इनपुट। ओके, ये ऐसे समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताया वेन डायग्राम इस टाइप से। तो फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा, लेच के साथ हम क्लॉक पल्स लगाएंगे, फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक भी होगा, मतलब लेच में होगा तो फ्लिप फ्लॉप में भी होगा। ठीक है, अच्छा तो भैया लेच हमने देख लिया, लेच के साथ क्लॉक पल्स हम किस लिए लगा रहे हैं, वो भी तो एक रीजन होना चाहिए अपने पास। ठीक है, एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप किसी भी इंटरव्यू में या जनरली एक सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो क्लॉक पल्स से मदद क्या होगी, जब हम काउंटर्स देखेंगे ना, जब हम काउंटर्स देखेंगे
तो उसमें सिंक्रोनस काउंटर भी देखेंगे एसिंक्रोनस, ठीक है। तो देखो वो अलग बात है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर्स की बात करेंगे बाद में, बट जनरल आइडिया क्या है, जो जनरल एक्सप्लेनेशन बेस्ड है वो किस पे है, क्लॉक पल्स पे, वो किस पे है, क्लॉक पल्स पे, ठीक है। तो क्लॉक पल्स क्या करेगी, अगर हमने कैस्काडेड फॉर्म में अरेंज किया फ्लिप फ्लॉप्स को, कैस्काडेड फॉर्म में, ठीक है, कैस्काडेड फॉर्म मैंने आपको बताया था हाफ एडर वन में, एक क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराया था हाफ एडर के केस में, दो हाफ एडर्स को कैस्काडेड में किया था, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया किया था एक सवाल। मक्स के केस में भी आपको कैस्काडेड वाला, तो कैस्काडेड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डार्लिंगटन पे कैस्काडेड फॉर्म है ना, एनालॉग सर्किट्स हम जब हम देखेंगे, ठीक है, काफी मजा आने वाला है एनालॉग सर्किट्स, तब मानते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओपेम्प, ओपेम्प वाले लेक्चर्स बहुत आसानी से आप सोल्व करोगे ओपेम्प्स, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम जब एनालॉग सर्किट्स सब्जेक्ट चालू होगा, अभी डी चल रहा है, ठीक है। तो डी में क्या है, कैस्काडेड फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं अभी, कैस्काडेड फॉर्म में जब हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट करेंगे, काउंटर्स बनाएंगे, जब काउंटर्स विल बी मेड फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप, इनिशियली बताया मैंने आपको, ठीक है, तो काउंटर्स जब हम बनाएंगे तो उसमें कैस्काडेड में कनेक्ट करेंगे। तो अब इनको अगर एक सिंक्रोनस वे में काम करना है, सिंक्रोनस वे मतलब क्या है, एक साथ काम करना है, ठीक है, एसिंक्रोनस में डिफरेंट क्लॉक पल्स होगी, सिंक्रोनस में सेम क्लॉक पल्स होगी, आर यू गेटिंग द पॉइंट, काउंटर्स में अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे एक जनरल आइडिया रखो कि क्लॉक पल्स क्या है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में वेरी करने वाली है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक पल्स है वो भी एक अहम सिग्निफिकेंट अपना रखती है, ठीक है। तो देखो फ्लिप फ्लॉप की बेसिक लेआउट देखते हैं हम इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप हम देखने वाले हैं, जेके ऐसा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी एन टॉगल, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, डी मतलब डेटा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो देखो होने क्या वाला है, मैंने कहा लैच और क्लॉक से मिलकर बनेगी, तो लैच होगी, एक और चीज जब मैंने लैच एक्सप्लेन किया, लैच आप चाहे नैंड वाले से बना लो या फिर नोर से, किसी से भी बना लेना, ये क्या है, इंटरनल है, फ्लिप फ्लॉप का बेसिक लेआउट है, लेआउट फॉर फ्लिप फ्लॉप, डिजाइन हम बाद में करेंगे, बेसिक लेआउट यही बताया मैंने आपको, कोई भी अगर कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन किया पहले उसका फ्रेमवर्क बनाया, लेआउट बनाया वैसे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने डी सब्जेक्ट डेवलप होता है, फ्रॉम द स्क्रैच वी आर बिल्डिंग द सर्किट फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, तो वो फील आनी चाहिए ताकि क्या है लिंक हो पाए, ये बात मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, बिकॉज रिकॉलिंग, देखिए टॉपर्स जो होते हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट, डिफरेंस कहाँ पे, एग्जाम में किसी सवाल पे अगर टॉपर है तो वो क्या है, रिकॉलिंग पावर इसके अच्छे, रिकॉलिंग पावर मतलब क्या, उसने चीजों को समझा है, स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन किया उसने, ठीक है। वही एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, चीजों को रटेगा, वो बाद में रटने पर क्या होता है, झोल हो जाता है, ठीक है, झोल मतलब मिक्स हो जाता है, कंसेप्ट मिक्स हो जाता है। वही अगर उसने समझ के बिल्डअप किया है, ठीक है, कैसे हमने नंबर सिस्टम से, बेसिक बुलियन फंक्शन से, लॉजिक गेट्स पे कंक्लूजन को यूज लेते हो, कैसे धीरे धीरे बिल्डअप किया, एडर्स बनाया, खुद से डिजाइन किया ना, वैसे ही समझ पा रहे हो। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो डी हो, एनालॉग हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी हो, ठीक है, एक फील आनी चाहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट है, फील आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, ताकि रिकॉल करने में आसानी हो, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि हमने खुद ने डेवलप किया है, अपनी आंखों के सामने डेवलप हुआ है। तो देखो फ्लिप फ्लॉप का बेसिक लेआउट कैसा होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम सर्किट बना लेंगे। तो कोई भी लैच है उसको मैं क्लॉक इनपुट दूंगा, अब ये क्या है, इंटरनल पार्ट हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका, इंटरनल पार्ट हो गया, ठीक है। यहां पर भी मैं कुछ असेंबली दूंगा लॉजिक गेट्स की, और यहां पर मैं एसआर दूंगा या फिर जेके दूंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अपन कॉम्बिनेशन लगा के इस टाइप से फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने वाले हैं कि लेच अंदर कोई भी हो, नैंड हो, नोर हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। बाहर वाली असेंबली में क्लॉक पल्स डिपेंड होगी और इनपुट्स अपन क्या दे रहे हैं, उसके बेस पे फ्लिप फ्लॉप की डिजाइन पॉसिबल होगी, ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो फ्लिप फ्लॉप का बेसिक लेआउट ये होने वाला है, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप हम देखेंगे, उसमें एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, रेस अराउंड कंडीशन पे आपको पूछ सकता है,
ओके। तो फ्लिप फ्लॉप में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक बार आप खुद से भी थोड़ी बहुत थ्योरी देखना। सबसे पहले देखेंगे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब इसमें कोई ना कोई कमी रह गई थी जब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक और चीज, एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो टेबल होगी ना वो मैं आपको बता दूं कैसी होगी। एसआर नो रिलेट्स वाली टेबल है ना, वैसी होगी। तो इसमें भी एक अपने को क्या मिलने वाला है, इनवैलिड स्टेट, जब हम कल देखेंगे इनवैलिड स्टेट मिलने वाला है। तो भैया ऐसा सर्किट हमने डिजाइन किया जिसमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन इनपुट्स का अगर इनवैलिड दे रहा आउटपुट, तो ऐसा सर्किट काम का क्या है। तो इसको अपग्रेड किया है, उसके लिए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया, ठीक है। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में भी अपने को एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो क्या है, रेस अराउंड कंडीशन। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या स्टेप लिया वो देखेंगे, ओके। बाद में हम देखेंगे टॉगल मोड, वो समझेंगे होता क्या है। टी फ्लिप फ्लॉप बोल देते हैं इसको, ठीक है। फोर्थ वाला हम देखेंगे ट्रांसफर फ्लिप फ्लॉप, मतलब डेटा को ट्रांसफर, डी फ्लिप फ्लॉप जनरल भाषा में अगर इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कल देखेंगे। तो ये बेसिक आउटलाइन है सिक्वेंस सर्किट का, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है, जितना भी होगा। तो लेट्स अगर आप लोगों ने ढंग से समझा है उसको रिवाइज करना, कोई स्टैंडर्ड बुक से कर लेना, ठीक है। या आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप एक बार फिर से देखिएगा लेट्स, ठीक है, क्योंकि लेट्स विल बी यूज टू डिजाइन फ्लिप फ्लॉप। डिफरेंट टाइप्स के हम फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। एक चीज अभी वापस मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों की हैबिट वो है कि जब भी सिक्वेंस सर्किट्स का क्वेश्चन आता है आप स्किप कर लेते हैं, तो वो अब से नहीं होगा आपको। आप स्किप नहीं करेंगे बिकॉज आपको क्या लगता है कि यार एक तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स दे दिए अपने, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको देख के अपन पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, वो नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप पैनिक क्यों होते हो, क्योंकि आपके पास मोस्टली, आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की है वो यही बोलते हैं कि सर फ्लिप फ्लॉप वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप हमें दे दिए क्वेश्चन में, तो हम क्या कहते हैं सर टेबल से उसमें इंप्लीमेंट करने में मुश्किल आती है, ठीक है। तो टेबल की अप्रोच आप साइड में रखिए, अपन क्या अप्रोच लेंगे, टेबल सबके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टेबल से ही हम क्या निकालने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे हर फ्लिप फ्लॉप की। लेकिन अपन टेबल से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, मैं आपको वापस से बात बताने वाला हूं कि टेबल से अपन कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, जब भी सिक्वेंशियल वाला आएगा काउंटर्स में आएगा, ठीक है। सिक्वेंस सिक्वेंस जनरेट करने वाले सवाल आते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा काउंटर्स दे रखे हैं, मतलब फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं बहुत से मल्टीपल, तो सिक्वेंस जनरेट क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूँ, 0 0 होगा, 1 0, इस टाइप से सिक्वेंस कौन सी जनरेट होगी, काउंटर्स में आते हैं आपको पता हो तो सवाल। तो ऐसे सवाल क्या है, जब आप टेबल से करने वाले होंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस लगाओगे, इस फ्लिप फ्लॉप पे लगाओगे, इसका आउटपुट लिखोगे, वापस उस टेबल को यूज लोगे, नहीं, इसलिए आप स्किप करते हो। लेकिन अब से क्या होगा, ये वाले लेक्चर्स देखने के बाद आपको टेबल यूज ही नहीं करनी है, समझने के पर्पज से करनी है, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए थ्योरी बेस्ड, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी चारों फ्लिप फ्लॉप की वो आपको बाई हाथ होनी चाहिए, ठीक है, डेराइव करेंगे हम, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या होगी, फ्रिक्वेंटली सोल्व होगा आपका क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली सोल्व होगा, आपको टेबल की नीड ही नहीं होगी। तो अपन डिफरेंट अप्रोच के साथ, जैसे मक्स में भी डिफरेंट अप्रोच के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की, वैसे ही पूरा पूरा फ्लिप फ्लॉप के केस में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ओके। तो आई होप सिक्वेंस सर्किट्स का ये बेसिक लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बेसिक लेक्चर था, ठीक है। लेट्स के बारे में हमने अच्छे से देखा, फ्लिप फ्लॉप हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ओके, थैंक यू।